अस्सलाम वालेकुम डियर स्पेक्टेटर्स, आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड एज ग्रिगनॉट रिएजेंट. ग्रिगनॉट रिएजेंट जो है ये क्लास है किन की से, ये इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं. अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है. ग्रिगनॉट रिएजेंट भी इसको बोलते हैं. और दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसमें आर एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एम जी मेटल है. हम इसको कह सकते हैं इट इज द क्लास ऑफ ऑर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड है जो कि डिस्कवर किसने किया था, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिगनॉट. विक्टर ग्रिगनॉट ने इसको डिस्कवर किया था 1900 में. डियर स्टूडेंट्स, ये हाईली रिएक्टिव है तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो इसको यूज़ करते हुए तकरीबन सारी क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम तैयार कर सकते हैं. किस तरह से वो हम देखेंगे. तो इस बिना पर विक्टर ग्रिगनॉट को केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज जो है ये अवार्ड किया गया. क्यों? फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रिगनॉट रिएजेंट. इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. क्यों ये यूजफुल है ये सब कुछ हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रिगनॉट रिएजेंट की हम देखते हैं प्रिपरेशन. हाउ ग्रिगनॉट रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड. ग्रिगनॉट रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड by reaction of alkyl halide with magnesium metal in the presence of ether as a solvent. ether solvent ho, alkyl halide magnesium ke sath react kare to alkyl halide ke center mein kya attach ho jata hai, मैग्नीशियम मेटल. तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है जो कि ग्रिगनॉट रिएजेंट है. से अगर आपके पास मौजूद हो इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम करवा दें, ये एग्जांपल है, मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, तो फिर क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि विक्टर ग्रिगनॉट या ग्रिगनॉट रिएजेंट कहलाएगा, ऑर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड होगा. अब हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका, ऑफ अल्काइल हैलाइड, के कौन से अल्काइल हैलाइड ग्रिगनॉट रिएजेंट इजीली बना देंगे. नाउ जितना हैलोजन ग्रुप बड़ा होगा या जितना अल्काइल ग्रुप छोटा होगा, हैलोजन ग्रुप बड़ा मीन अल्काइल आयोडाइड सबसे इजीली ग्रिगनॉट रिएजेंट बनाते हैं क्योंकि ये बांड आसानी से टूट जाता है. अल्काइल ब्रोमाइड की निस्बत ये इजीली बनाते हैं अल्काइल क्लोराइड की निस्बत, और ये इजीली बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड की निस्बत. इसका मतलब है हैलोजन ग्रुप जितना लार्ज होगा उतना ग्रिगनॉट रिएजेंट इजीली बन जाएगा. अब व्हाट अबाउट अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप जो है जितना छोटा होगा, से मिथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड जो है इसकी रिएक्टिविटी ग्रिगनॉट रिएजेंट बनाने के लिए कम है एज कंपेयर टू C3H7X. तो इसका मतलब क्या है, इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, हम इससे कंक्लूड ये करते हैं कि जितना अल्काइल ग्रुप जो है जितना अल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा, जितना अल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा
आर जितना हेलोजन ग्रुप लार्जर होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट आसानी से बनेगा। अल्काइल ग्रुप स्मॉलर, हेलोजन ग्रुप लार्जर। अब हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है उसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अवर लेक्चर, स्ट्रक्चर, ये जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें हेलोजन ग्रुप जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, अल्फा कार्बन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसके बरक्स अगर हम डियर स्टूडेंट्स लेंगे क्लास किसकी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपके पास सेंटर में मैग्नीशियम मेटल लगी होती है और मैग्नीशियम मेटल जो है ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से मैग्नीशियम मेटल अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले आएगी, हेलोजन पर भी नेगेटिव, कार्बन पर भी नेगेटिव। ये डियर स्टूडेंट इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आना ये इलेक्ट्रोफाइल की निस्बत क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा इट कैन अटैक इजीली ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर इजीली अटैक कर जाता है, पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक कर जाता है। तो इस वजह से इस नेगेटिव चार्ज का आना कौन सा करैक्टर है, अनयूजुअल करैक्टर है। तो इस अनयूजुअल करैक्टर की वजह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। डियर स्टूडेंट्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के दौरान आपको प्रिकॉशन करनी पड़ती है। प्रिकॉशन क्या करनी पड़ती है, एहतियाती तदाबीर क्या करनी पड़ती हैं, वो ये करनी पड़ती हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्योंकि हाईली रिएक्टिव है इस वजह से जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट तैयार करेंगे ईथर मस्ट बी एनहाइड्रस, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब है एनहाइड्रस, नमी ना हो। अगर नमी हुई तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनते साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी को महदूद करने के लिए ईथर मस्ट बी एनहाइड्रस। तो इसका मतलब है प्रिकॉशन ये है कि जो हम इसमें सॉल्वेंट यूज करेंगे दैट मस्ट बी एनहाइड्रस, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नमी होगी, एन का मतलब होता है ना।